गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक अपना है वो है अनार पे लगने वाली एक बीमारी है जिसे बोलते हैं बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ पोमग्रेनेट, यानी अनार का जीवाणु झुलसा रोग। जैसा कि इसके नाम से विदित है, बीमारी किससे है? ये जीवाणु से। देखिए, इस रोग का जो प्रकोप है वो पौधे के सभी भाग पे होता है। जमीन से ऊपर जितने पौधे के अंग हैं सभी पर इस बीमारी का प्रकोप होगा, लेकिन इसका सबसे जो विनाशकारी प्रकोप है वो फल पे होता है, फ्रूट्स पे होगा इस पे। और वर्षा ऋतु में इस रोग का प्रकोप ज़्यादा होगा, और जो सर्दी का मौसम है, सर्द ऋतु है, उसमें इस रोग का प्रकोप कम होगा। सबसे पहले क्या होगा इस रोग में कि पत्ती की जो निचली सतह पे है उस पर नियमित या अनियमित आकार के दोनों तरह के धब्बे बनेंगे, वो पानी नुमा धब्बे होंगे, और उनको अगर आप प्रकाश के सामने रख के विपरीत दिशा में रख के देखें तो आपको वो पारदर्शी और पीले रंग के नजर आएंगे। ये पत्ती पर लगने वाले जो धब्बे हैं उनका लक्षण है। और फलों पे जो धब्बे बनते हैं वो भी पानी नुमा धब्बे बनेंगे, ठीक है। और शुरुआती अवस्था में उनका रंग कैसा होगा? भूरा रंग का होगा, लेकिन जैसे जैसे रोग का प्रकोप बढ़ेगा उनका रंग जो है वो काले रूप में परिवर्तित होने लगेगा और उनका आकार बढ़ने लगेगा, ठीक है। और इससे पौधे का और फल का अधिकांश हिस्सा जो है वो इन धब्बों से गिर जाता है। यह जो रोग कारक है, ये पत्ते और फ्रूट के बाद यानी फल के बाद जो शाखाएं हैं और जो इसके क्या नाम तना है पौधे का, उसको भी घेर लेते हैं धब्बे ये, और उसमें क्या करते हैं ये क्रैकिंग पैदा करते हैं, यानी वो फटने लगते हैं। और फ्रूट पे जो धब्बे बनेंगे उसकी खास बात यह है कि वो सतह से थोड़े उभरे हुए होंगे और आपको लगे चिकने लगेंगे, ऑयली लगेंगे वो। और ज़्यादा रोग होने पे रोग ग्रसित जो फल है अनार का वो एल शेप्ड में फटेगा, ये इसका एक खास लक्षण है। ज़्यादा रोग है तो क्रैकिंग आएगी फ्रूट्स के अंदर और वो एल शेप्ड में फटेगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसका रोग कारक। देखिए, मैंने पहले बताया इसका जो रोग कारक है पैथोजन है वो बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया का नाम है जेंथोमोनास एक्जोनोपोडिस और पैथोवायरस का पुनसी, ठीक है। जेंथोमोनास एक्जोनोपोडिस और पैथोवायर पुनसी। और इसका जो क्लासिफिकेशन जो है वो फाइलम क्या है इसका? प्रोटियोबैक्टीरिया है। क्लास इसकी गामा प्रोटियोबैक्टीरिया है। ऑर्डर इसका जेंथोमोनोडेल्स है। फैमिली जेंथोमोनोडेसी है। जीनस जेंथोमोनास है। और स्पेसिस क्या है इसकी? एक्जोनोपोडिस। और पैथोवायर कौन सा है? पुनसी, पुनसी, ठीक है। ये इसका साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है पैथोजन का। अब इसका सर्वाइवल और स्प्रेड, यानी ये कैसे रोग आपका जीवन चक्र निभाता है, प्राइमरी सोर्स क्या है इसका, सेकेंडरी सोर्स क्या है। देखिए, इस रोग का जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनोकुलम है, यानी प्रारंभिक जो निवेश द्रव्य है, वो कौन है? काम करेगा वो जो रोग ग्रसित पौधे की शाखाएं हैं जो कि हम काट के और खेत में छोड़ देते हैं, वो प्रारंभिक निवेश द्रव्य का काम करती हैं, ठीक है। और सेकेंडरी स्प्रेड यानी जो द्वितीय निवेश द्रव्य का काम होगा वो कौन करेगा? वो हवा और पानी की बौछारें, वो फिर इस रोग को आगे फैलाएंगी। इस तरह ये रोग पनपता है और फैलता रहता है। और जो इसके लिए अनुकूलतम वातावरण है यानी फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, उसमें क्या है? लगातार या रुक रुक के बरसात लंबे समय तक। और जो टेम्परेचर है उसमें क्या है? जो अधिकतम तापक्रम की जो रेंज है वो 29.4 से लगा के 35.6 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसकी रेंज है टेम्परेचर की, अधिकतम टेम्परेचर की। और मिनिमम टेम्परेचर की जो रेंज है फेवरेबल वो है 19.5 से लगा के 27.3 डिग्री सेंटीग्रेड, ये तापक्रम इसके लिए मोस्ट फेवरेबल है। और जो आर्द्रता है यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 63 से लेके 87% तक की आर्द्रता इसके लिए अनुकूलतम है बीमारी के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं इसका रोग का मैनेजमेंट यानी रोकथाम कैसे की जाए।
देखिए, इसकी रोकथाम के लिए आपको पूरा समन्वित कार्यक्रम अपनाना पड़ेगा, यानी इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनानी पड़ेगी। सबसे पहले की बात यह है इसमें कि आप जो किस्मों की बुआई करते हैं वो प्रतिरोधी किस्मों का चयन करें। भगवान जो किस्म है वो इस रोग के प्रति ज़्यादा सहनशील है, और अम्लीदाना और दामनी है वो इस रोग के प्रति प्रतिरोधी है। अनार की जो नर्सरी है उसको आप समय समय पे संभालते रहें, और जो भी पौधा शुरुआती अवस्था में आपको रोग ग्रसित नजर आता है उसको आप उखाड़ के जला दें, ठीक है। और अगर आपको एक बार बगीचे में ये रोग नजर आ जाए तो वर्षा वाली फसल आपको बिल्कुल नहीं लेनी है, इसके बजाय सर्दी वाली फसल लें आप। और टहनियों पर अगर और शाखाओं पर रोग ज़्यादा है तो उनकी हैवी प्रूनिंग करें, यानी बहुत ज़्यादा उनकी जो छटाई करें आप, ठीक है। और जो पौधा ज़्यादा रोग ग्रसित है उसको या तो उखाड़ के जला दें आप, या फिर ऐसा करें कि उस पौधे के जो जमीन से 3 या 4 इंच ऊपर की सभी शाखाएं काट दें आप, उसके बाद उसी शाखा को बढ़ने दें पेड़ के रूप में, जो कि जिसमें कि बीमारी नहीं है उसी को पेड़ बनने दें आप, ठीक है। और काटे भाग पे आप साथ के साथ आप बोर्डो मिश्रण लगाते रहें आप। एक बात आप और ध्यान रखें, क्योंकि बैक्टीरिया है ये, जिस औजार से आप ट्यूनिंग करते हैं, कटाई करते हैं, उसको भी कीटाणु रहित करना बहुत जरूरी है। उसके लिए आप सोडियम हाइपोक्लोराइड 2.5% सोल्यूशन का काम लें आप, इसमें औजार को डुबो के उसको रखें और फिर अगली बार कटाई करें आप। इससे क्या होगा, जीवाणु जो है वो जिस पे औजार पे है वो मर जाते हैं और अगली फसल में ये बीमारी नहीं फैलेगी आप। और हर 3 महीने के अंतराल पर जो बगीचे की ज़मीन है उसको आप ब्लीचिंग पाउडर से सिंचित करें, ठीक है। उसके लिए क्या करें आप कि 1000 लीटर पानी में 25 किलो ब्लीचिंग पाउडर मिला के और उस पानी को आप सिंचित करें बगीचे की ज़मीन को। लेकिन जो ब्लीचिंग पाउडर आप काम में ले रहे हैं उसमें आप ध्यान रखें कि कम से कम 33% क्लोरीन होना अति आवश्यक है, ठीक है। नए बाग आप लगा रहे हैं तो उसमें जो रो स्पेसिंग और जो पौधे से पौधे की दूरी बताई गई आपको रिकमेंडेड जो है वही आप काम में लें आप। पौधे कम दूरी पे या कम दूरी पे कतार आप नहीं लगाएं आप, और जो ब्रांचें इन्फेक्टेड हैं उनको आप काटते रहें। हमेशा जो आप सीड वो लाते हैं, पौध लाते हैं, वो कोशिश करें उसी बाग से लाएं जहाँ की ये रोग नहीं है, ठीक है। और बाहर हमेशा हस्ता और अम्बेवार में करें आप, और फल तोड़ने के बाद कम से कम 4 महीने का जो रेस्टिंग पीरियड दें वो देखो, ठीक है। अब बात करते हैं केमिकल कंट्रोल की। देखिए, जब आप प्रूनिंग करते हैं अनार के बाग में उससे पहले 1% बोर्डो मिक्सर का स्प्रे जरूर करें आप, ठीक है। और इथरल के स्प्रे के बाद यानी डिफोलिएशन करते हैं आप, डिफोलिएशन करने के बाद आप जो शाखाएं हैं उन पे आप पेस्ट लगाएं, और पेस्ट बनाने का तरीका ये है कि 1 लीटर पानी में 0.5 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, ठीक है, और 2.5 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और 200 ग्राम रेड ऑक्साइड, इन तीनों को मिला के आप जो कटे हुए अंग हैं पौधे के उन पे आप ये स्मीयर या पेस्ट जरूर लगाएं आप। 0.5 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, 2.5 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और 200 ग्राम रेड ऑक्साइड 1 लीटर पानी में, ठीक है। खड़ी फसल में स्प्रे के लिए आप हमेशा स्ट्रेप्टोसाइक्लिन प्लस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का मिश्रण काम में लें। उसके लिए 100 लीटर पानी में आप कम से कम 12 से 15 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन डालें और 200 से 250 ग्राम डालें आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, ये मिलाकर स्प्रे करें आप। अगर रोग का प्रकोप ज़्यादा है तो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन की मात्रा जो 12 से 15 है वो आप बढ़ा भी सकते हैं आसानी से, यानी कि आप 20-30 ग्राम तक 100 लीटर पानी में स्ट्रेप्टोसाइक्लिन डाल सकते हैं। लेकिन जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की मात्रा है वो 250 ग्राम से ज़्यादा आप ना रखें, वही ठीक है, ठीक है। और जो स्प्रे आपने अभी किया, जैसे आज ये बात किया आपने स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का स्प्रे किया,
उससे अगले दिन पौधे पे आप माइक्रोन्यूट्रेंट का स्प्रे करें। उसके लिए माइक्रोन्यूट्रेंट आप खुद ही बना सकते हैं, जैसे 1 लीटर पानी में आप 1 ग्राम जिंक सल्फेट डालें, 1 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट डालें आप, 1 ग्राम कैल्शियम सल्फेट डालें आप, और 1 ग्राम डालें बोरॉन। इनको 1 लीटर पानी में मिला के स्प्रे करें, ठीक है। ये माइक्रोन्यूट्रेंट का स्प्रे उससे पौधों की बढ़वार के लिए बहुत आवश्यक है। कभी कभी क्या होता है कि अनार में बैक्टीरियल ब्लाइट के अलावा नेचुरल क्रैकिंग भी आती है, अपने आप क्रैकिंग भी आती है। उसके लिए भी आप ऐसे करें आप कि 100 लीटर पानी में 1 किलो पोटेशियम सल्फेट, 150 ग्राम बोरॉन और 40 ml सैंडोविट, इन तीनों को मिला के आप स्प्रे करें, तो जो नेचुरल क्रैकिंग आ रही है जिसमें कि किसी पैथोजन का रोल नहीं है, वो इससे चेक होगी। और कोशिश करें कि हमेशा जो विंटर सीजन क्रॉप है सितंबर टू मार्च, वो आप लें, ठीक है। ओके।